है एवरी वन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन आर टोडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस ऑफ क्लास टेंथ सो जितने भी तुम लोग के चैप्टर्स हैं हर एक में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंटें टॉपिक है अलॉन्ग विद द सिलेबस ये तो तुम लोग का सिलेबस है इसमें भी कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं सो दैट अगर हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो हम इजी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें बिकॉज जनरली इफ यू सी द पी वाई यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सो येट टू नो दट मोस्टली द टॉपिक्स आर रिपीटेड तो वो कौन से रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को सबसे पहले करने हैं वो मैं तुम लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन तो इसमें देखो सबसे पहले अगर हम बाकी चैप्टर्स भी देखें केमिस्ट्री के लेकिन एसिड बेसिस एंड सोल्ट हो गया मेटल हो गया कार्बन एंड कम्पाउंड हो गया तो यहाँ पे जो बेस होता है ना वो हमारे पास एक केमिकल इक्वेजन होती है तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना तुम लोग को डेफिनेटली आना चाहिए और उससे एक नए क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो बैलेंसिंग सबसे पहले सीख लेना और जो नाइन्थ में हम लोग को फॉर्मुलाज बताए जाते हैं कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है सल्फाइट का क्या होता है अगर किसी को लर्न

नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है इन द सेम वे हमारे पास लिंग्विस्टिक बैच भी है यानी so so तो हम कैसे हो, हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन so subscription. होते हैंडमी के प्लस बेनिफिट्स बस यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप तुम लोग को नहीं मिलेगी तो अगर तुम्हें चाहिए है कि हमें पर्सनल मेंटोरशिप भी चाहिए है. कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं तो उनके लिए हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है सो so, प्लस और आइकॉनिक इसमें तुम लोग एक्सटेंशन भी मिलने वाले हैं अगर ट्वेंटी फोर परचेस करोगे तो सिक्स मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा और ट्वेल्व का परचेस करोगे तो मंथ्स का तुम को एक्सटेंशन मिलने वाला है बट ये जो ऑफर है 9 से 11 तक ही वैलिड है उसके बाद जो ये ऑफर है फिनिश हो जाएगा तो अगर किसी को भी परचेस करना है सब्सक्रिप्शन तो अभी ही कर लेना, मेरा कोड ए एन जीवी टेन है ये लगाना बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज अगर ये कोड लगाओगे तभी जाकर तुम लोग को टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा इजिली एंड बहुत ज्यादा तुम लोग सेव करने वाले हो यू कैन सेव अप टू फोर्टी परसेंट ऑन दी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन चाहे क्लास टेंथ के लिए हो चाहे क्लास ट्वेल्थ के लिए किसी के लिए भी अगर परचेस करना है मेरा कोड डेफिनेटली यूज कर लेना इसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी उसी बेसिस पे देखते हैं तो इसीलिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रोजन क्या होता है और प्रिवेंशन ठीक है एंड गैल्वनाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस होता है ना वो सब यही इंक्लूड हो जाता है तो ये बेसिक चीजें तुम लोग डेफिनेटली देख सकते हो देन वी हैव कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट And me it is very मैंने एक घंटे में भी नहीं like लाइक है, so है, है वो तो वो भी तुम लोग देख सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले जो होमोलॉगज सीरीज होती है अनसेचुरेटेड एल्किन एलकाइन एल्कि

तो लाइफ प्रोसेस में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो न्यूट्रिशन है हमारे पास जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डायग्राम बायो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन हो गया तो इसमें ना वैसे चैप्टर बहुत लेंदी है बट बेसिक अगर तुम तुम वन देखोगे लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो ठीक है उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो इसमें सबसे पहले तो देखो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं एनिमल हार्मोन्स दीज आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर हमारा नर्वस सिस्टम हो गया वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बेसिक तुम लोग देख लो इसको ठीक है एंड इससे जितने भी हमारे पास पीवाई हैं वो तुम लोग देख लेना एंड अगेन वन शॉट डेफिनेटली देखना उसमें जितने टॉपिक्स हैं वो तो कवर हो ही जाएंगे एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो सबसे पहले उसमें कवर होते हैं ठीक है देन वी हैव रिप्रोडक्शन तो एनिमल्स में एंड प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है दैट इज लाइक वेरी सिंपल चैप्टर ठीक है एक बार पढ़ लेना तुम लोग को इजिली सारी चीजें लर्न हो जाएंगी एच आई वी एड्स तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस तरीके से कोई डिजीज है तो वो ट्रांसमिट हो पाएगी यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ठीक है एंड उसके बाद है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पूरा एवोल्यूशन हमारा डिलीटेड है ठीक है यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है तो हेरिटेटी में जो बेसिक है हमारे पास मेंडल्स कंट्रीब्यूशन तो ये सारी चीजें तुम लोग डेफिनेटली देख लेना सेक्स डिटर्मिनेशन से सबसे ज्यादा पूछा जाता है ठीक है

देन बी आप इफेक्ट्स ऑफ करेंट अगेन इसमें न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक ओम्स लॉ डेफिनेटली देख लेना कि हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा ऑब्वियसली देन इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमारे आ जाते हैं बहुत सारे ठीक है जैसे हमारे पास हीटिंग इफेक्ट भी है तो एच इक्वल टू आई स्क्र आर टी है ना तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आएंगे आर

बहुत सिंपल सी चीजें हैं बस ऐसा है कि एनसीआरटी में अच्छे तरीके से नहीं गिवन है तो इसके लिए तुम लोग रेफरेंस बुक्स का डेफिनेटली यूज कर सकते हो ठीक है देन वी हैव नेचुरल रिसोर्सेस लास्ट टॉपिक है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बिकॉज ये वो चीजें हैं जो हमारे आसपास होती हैं एंड हम डेली इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज कौन से हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं वी हैव ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हो गया ओजोन डिप्लीशन हो गया ठीक है तो इसमें ओजोन डिप्लीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सेंस ठीक है सो ये सारे टॉपिक्स डेफिनेटली कर लेना इन केस यू पीपल वॉन्ट द वन शॉट, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो सो दट इज इट फॉर आर टुडेज वीडियो आई सी यू गाइड इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर